अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरुई और कीमा डालकर। कीमा बना रही हूँ या अरुई डालकर। ये मेरे प्याज और लहसुन और लाल मिर्च है, और खड़े मसाले मैंने तेज पत्ता, सौंफ, जीरा, दालचीनी, लौंग, जायफल, जावित्री, काली मिर्च है 4-5 अपने हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया था, और वो मैंने तेल में डाल दिया है। और ये प्याज और लहसुन और लाल मिर्च भी मैंने डाल दिया है, खड़ा लाल मिर्च। मैं इस्टो कीमा बना रही हूँ अरवी डालकर। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है ये, बहुत मस्त लगता है कीमे में अरवी डालकर जब बनाओ। और मैं ये प्याज को डालकर मैंने इसमें छोड़ दिया है, जब ये ब्राउन हो जाएगा तब फिर मैं इसमें कीमा डालूँगी। ये कीमा मैंने धोकर साफ करके फ्रिज में रख दिया था, तो ये अभी गला नहीं, एकदम साफ है। जब आया था तभी मैंने धोकर साफ करके फ्रिज में रख दिया था, फ्रीजर कर दिया था। अब इसको मैं इसमें निकाल कर डाल देती हूँ। ये जब सीटी लगेगा तो ये अपने आप गल जाएगा, इसमें गलने में टाइम लग रहा है इसको। तो ये मेरे मसाले हैं, गर्म मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और काली मिर्च का पाउडर है, जीरा पाउडर है, और ये भी मैंने डाल दिया। कुछ मटन मसाले थे इसमें, और ये 3 टमाटर हैं छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे टमाटर हैं। और थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल देती हूँ, और ये सब डालकर मैं इसको ढक कर रख दूँगी, चला दूँगी। लेकिन ये जो कीमा है ना, ये खड़ा है, अभी गला नहीं है, बर्फ़ है थोड़ा सा इसमें, तो इसको जब मैं सीटी लगवाऊंगी तो ये अपने आप गल जाएगा, इसलिए मैं इसको बंद कर देती हूँ। इसमें 5-6 सीटी लग जाएगा। फिर उसके बाद मैंने अरवी छील कर धुल के साफ करके तेल में डाल दिया है इसको फ्राई के लिए। ये फ्राई हो गया है, क्योंकि मैं भी जब भी कि गोश्त में या कीमा में, मटन में, किसी चीज़ में मैं घुया डालती हूँ तो पहले मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं इसको डालती हूँ। तो ये मेरा फ्राई हो चुका है, मैंने इसको निकाल लिया है। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ अगर देखो तो लाइक करो। आपके एक लाइक करने से कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सिर्फ लाइक कर देना है। और ये मेरा कीमा देखिए बिल्कुल गल चुका है एकदम। अब इसमें मैं जो अरवी रखी थी वो डाल दूंगी सब, मैंने सब गल गया है, फिर भुनाई करूंगी। अरवी डालकर मैं इसको भुनाई करूंगी, अब भुनाई करने के बाद मैं इसमें सीटी लगवाऊंगी अरवी के साथ, कि अरवी भी गल जाए। तो हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और ये मैंने सीटी लगवा लिया है, कीमा मेरा गल चुका है, और घुया भी मेरा, अरुई हमारे यहाँ घुया कहते हैं, अरुई भी कहते हैं, दोनों चीज़ कहते हैं, तो ज़्यादातर घुया भी ही हुआ है आदत है। लेकिन अरुई है, अरुई गल चुका है बिल्कुल, और कीमा भी गल चुका है। अब खाना खाने के लिए हम रेडी हैं, चावल और रोटी भी हमारी तैयार है। और देखिए कीमा में अरुई देखती हूँ कि गला है कि नहीं गला है, तो ये मैं हाथ से तोड़ रही हूँ तो बिल्कुल गल चुका है, और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो मेरा कीमा तैयार है, अब इसको मैं ढक देती हूँ, धनिया का पत्ता डाल देती हूँ इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये टेस्टी कीमा बनता है घुया डाल के। आप भी बनाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।